एक और बार बेवड़ा बोल, फिर काम तमाम। तुम बेवड़े गोलगप्पे, तू कुछ बोलेगा? चश्मुद्दीन तू? अच्छा हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ बेहतरीन मूवीज का कलेक्शन, जिनको आप फ्री टाइम में एंजॉय कर सकते हो। ये सारी मूवी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, वो भी हिंदी लैंग्वेज में, तो आप इनको जब चाहे देख सकते हो, लेकिन ये डिलीट भी कभी भी हो सकती हैं। तो जितना जल्दी हो सके आप इन मूवीज को देख लीजिए। सभी मूवी को 10 से 20 सेकंड दिए जाएंगे, ताकि आप मजबूर हो जाओ उस मूवी को देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक पे आती है 2008 में रिलीज हुई एक एक्शन फैंटेसी मूवी हैंकॉक। बात करें मूवी की मेन कास्ट के बारे में, तो मूवी की मेन लीड में आपको देखने को मिल जाएंगे विल स्मिथ, जो कि इस मूवी में एक सुपर हीरो बने हुए हैं। बात करें स्टोरी के बारे में, तो स्टोरी दिखाई जाती है सुविल स्मिथ की, जो कि एक सुपर हीरो होते हैं, लेकिन पब्लिक में उनकी जो बिहेवियर होता है वो अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से वहाँ की जनता उसको पसंद नहीं करती है। ऐसे में एक पीआर एक्सपर्ट सामने आता है, जो कि विल स्मिथ से वादा करता है कि वो उसको सुधार देगा। अब आगे मूवी में क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को रेटिंग मिली है 6.4 की आउट ऑफ 10। एक और बार बेवड़ा बोल, फिर काम तमाम। नंबर टू पे आती है 2015 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी हु एम आई। गाइस, बात करूँ इस मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इस मूवी में स्टोरी दिखाई जाती है एक लड़के की, जिसकी याददाश्त खो गई है और वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढ ही रहा होता है, तभी उसको पता चलता है कि उसके ऊपर एक मर्डर का केस भी आ चुका है। अब ऐसे में वो इस मर्डर के केस से कैसे बचता है, ये देखने को आपको इस मूवी में मिलेगा। और मैं आपको बता दूँ, ये मूवी जो जैकी चैन की मूवी है हु एम आई, उसका एक रीमेक है। और बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा घटिया रेटिंग मिली है 4.5 की, लेकिन ये मूवी देखने लायक है और हिंदी में भी अवेलेबल है, इसलिए मैंने इस लिस्ट में इस मूवी को ले लिया है। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो देख सकते हो। नंबर तीन पे आती है 2019 में रिलीज हुई एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी दी ब्लैक आउट। बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इस मूवी में स्टोरी दिखाई जाती है कि पूरी दुनिया में बिजली जा चुकी है और इसकी वजह से लोग मरने लग गए हैं। अब ऐसे में आगे क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को रेटिंग मिली है 6.1 की आउट ऑफ 10। नंबर चार पे आती है 2014 में रिलीज हुई एक ड्रामा बायोग्राफिकल मूवी द एविएटर। बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इस मूवी में स्टोरी दिखाई जाती है हार्वर्ड की, जो कि एक पब्लिक फिगर और एक फिल्म मेकर भी होता है, लेकिन ऐसे में उसको एक ओसीडी नाम की बीमारी हो जाती है, जिसकी वजह से उसका पूरा करियर दाव पे लग जाता है। इस बीमारी में लोग बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। अब आगे मूवी में क्या होता है आप खुद ही देख लीजिए। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को रेटिंग मिली है 7.5 की आउट ऑफ 10। नंबर पाँच पे आती है 2007 में रिलीज हुई एक्शन हॉरर मूवी रेजिडेंट ईविल 3। बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इस मूवी में स्टोरी दिखाई जाती है कि पूरी दुनिया में टी वायरस फैल चुका है और ऐसे में जो लोग बचे हुए हैं उनको बचाने में एलिस नाम की लड़की लगी हुई है। अब आगे मूवी में क्या होता है ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में, तो इस मूवी को रेटिंग मिली है 6.3 की आउट ऑफ 10। तो आई होप गाइस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इस वीडियो को डिसलाइक कर रहे हो, तो यार प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि आप क्यों कर रहे हो इस वीडियो को डिसलाइक, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। और अगर आपको इस मूवी के अलावा और कोई मूवी चाहिए, तो उसके लिए भी आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम और थैंक यू फॉर वॉचिंग।